हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ विक्रांत शाही, आई एम योर साइंस टीचर फ्रॉम द इंडियन रिवॉल्यूशनरी स्कूल। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के बारे में, कि कैसे जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हैं वो प्लांट्स में, एनिमल्स में और ह्यूमंस में क्या करती हैं, बहुत सारी डिजीज़ कॉज करती हैं। तो उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ह्यूमंस में जो डिजीज़ कॉज होती हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के बारे में, वो क्या क्या होते हैं, उनके सिम्टम्स के बारे में, मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में और कॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के बारे में। उसी तरीके से मैंने बताया था आप लोगों को कि प्लांट्स में कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं, जो कॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स होता है वो कौन सा होता है और मोड ऑफ ट्रांसमिशन। और एनिमल्स में भी मैंने बताया था कि कौन कौन सी डिजीजेज जो होती हैं वो एनिमल्स में होती हैं, उसका कॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स कौन सा है और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है। तो हम लोगों ने उस वीडियो में क्या पढ़ा था, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसमें मैंने बताया था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स क्या करते हैं ह्यूमंस, प्लांट और एनिमल्स पे क्या करते हैं, डिजीज कॉज करते हैं। सेकेंड जो हमारा हार्मफुल इफेक्ट था माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स का, वो क्या था, स्पॉइलेज ऑफ फूड, यानी हमारे फूड को क्या करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स, ख़राब कर देता है खाने को हमारे। तो उसके बारे में मैंने बताया था कि कई बार क्या होता है, जब खराब खाना आप खाते हैं उसके वजह से क्या हो जाती है, आपको फूड पॉइजनिंग हो जाती है, उसके बाद से आपको डॉक्टर के पास जाना होता है और क्या करना होता है, दवा लेना पड़ता है, अपना ट्रीटमेंट कराना पड़ता है। और जब आपको फूड पॉइजनिंग होती है तो आपको क्या हो जाता है, बहुत तेज बुखार हो जाता है, आपका सर दर्द करने लगता है, पेट दर्द करने लगता है, आपको वॉमिटिंग भी होती है और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आज हम लोग इसी टॉपिक से स्टार्ट करने वाले हैं, फूड पॉइजनिंग से, यानी स्पॉइलेज ऑफ जो फूड होता है, खराब खाना होता है उसके वजह से फूड पॉइजनिंग होता है। तो मैं उसके बारे में बताऊँगा, स्पॉइलेज ऑफ द फूड के बारे में और उससे जो फूड पॉइजनिंग होती है उसके बारे में बताऊँगा। और उसके बाद से मैं आपको डिफरेंट मेथड्स बताऊंगा जिससे आप अपने खाने को क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं, यानी अपने खाने को स्पॉइल होने से क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से, जो कि हमारा फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग, तो फूड पॉइजनिंग क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लीजिए, फूड पॉइजनिंग वो होता है जब आप क्या करते हैं किसी खराब खाने को या फिर कोई भी एडिबल आइटम जो क्या हो चुका हो, खराब हो चुका होता है, क्यों, बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के एक्शन की वजह से वो खाना खराब हो चुका होता है और उसके बाद से अगर उसको आप कंज्यूम करते हैं तो आपको क्या हो सकता है, फूड पॉइजनिंग हो सकता है। मींस यू कैन फॉल इल, यू कैन हैव सीवियर हेडेक और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप लोग को क्या हो सकती हैं, हो सकती है। तो फूड पॉइजनिंग को हम लोग कैसे कैसे समझें कि कौन सा खाना अच्छा होता है या कौन सा खाना खराब होता है, कैसे हमको पता चलेगा, यानी हम कैसे बच सकते हैं उससे। तो आपको मैं प्रिजर्वेशन के बहुत सारे मेथड्स तो बताऊंगा, ठीक है, कि खाने को हम प्रिजर्व कैसे करें, पर हम चेक भी तो कर सकते हैं कि खाना हमारा ख़राब है या नहीं। खाना कई बार क्या होता है, प्रिजर्व करने के बाद से भी क्या होता है, कुछ खाना जो होता है आपका एडिबल आइटम होता है वो ख़राब हो सकता है, क्योंकि हर चीज़ की एक डेट होती है, आप उस टाइम पीरियड तक उसको क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, उसको कंज्यूम कर सकते हैं। इवन जितने भी एडिबल आइटम्स आप मार्केट में आ जाते हैं, जो पैकेट्स में मिलती है, सब पे क्या लिखा होता है, मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखा होता है, क्या लिखा होता है, एक्सपायरी डेट, यानी उस डेट के बाद से वो जो एडिबल आइटम है या फिर जो भी खाने पीने वाली चीज़ है वो आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि उसके बाद से वो चीज़ें क्या होती है, ख़राब हो जाती है। तो कैसे पता चलेगा कि कोई भी खाने पीने की चीज़, ये तो मैंने बात की पैकेट्स में जो पैक्ड रहते हैं, इवन जो आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हैं या कहीं पर भी होटल्स वगैरह में खाना खाते हैं, तो वहाँ पर कैसे चेक कर सकते हैं कि आपको जो मिला है खाना वो ख़राब है या फिर सही। तो इसका बहुत ईजी तरीका है जिससे आप क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं वेदर योर फूड इज़ स्पॉइल्ड और नॉट, बिकॉज द स्पॉइल्ड फूड विल हैव अनप्लीजेंट स्मेल, अनप्लीजेंट स्मेल, जो आपका ख़राब खाना होता है उसकी जो स्मेल होती है वो बिल्कुल क्या होती है, अनप्लीजेंट होती है, मीन्स जो उसकी स्मेल होती है थोड़ी सी अजीब होती है, जिससे आप पहचान सकते हैं कि आपका खाना क्या हो चुका है, ख़राब हो चुका है। इसके अलावा चेंज इन कलर, जो आपका ख़राब खाना होता है उसका जो कलर होता है वो क्या होता है, चेंज होता है। यूजुअली जो हम लोग फूड बनाते हैं उसका कलर हम लोग को क्या होता है, पता होता है। तो कई बार अगर आप बाहर रेस्टोरेंट में खा रहे हैं या फिर आपके घर का ही खाना है, जो कुछ टाइम के लिए आपने रख दिया था, अगर उसका कलर में क्या हो गया, कोई चेंज हो गया, इसका मतलब वो खाना क्या हो चुका है, ख़राब हो चुका है। इवन नहीं अगर आपको पता चलता है तो आप जब खाते हैं तो आपको उसका टेस्ट कैसा लगता है, बैड टेस्ट, यानी खाने का स्वाद क्या लगता है, कड़वा लगता है या खाने का स्वाद बिल्कुल अजीब लगता है, यूजुअल टेस्ट से डिफरेंट लगता है, तब भी आप समझ सकते हैं कि आपका फूड जो है क्या हो चुका है, स्पॉइल्ड हो चुका है। दीज आर द सिम्टम, यानी इन तरीकों से आप पता लगा सकते हैं आपका फूड जो है वो स्पॉइल्ड है या फिर नहीं। स्पॉइल्ड फूड, यानी जो स्पॉइल्ड फूड होता है उस पर क्या होता है, अनप्लीजेंट स्मेल होती है, उसका कलर चेंज हो जाता है और उसका टेस्ट भी क्या होता है, बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, जिसकी वजह से अगर आपका फूड स्पॉइल्ड है और वो आपने क्या किया,
कंज्यूम किया तो आपको क्या हो जाएगा, फूड पॉइजनिंग। अगर आपने क्या किया, स्पॉइल्ड फूड को कंज्यूम किया तो आपको क्या हो जाएगा, फूड पॉइजनिंग। अब फूड पॉइजनिंग के जो सिम्टम्स होते हैं उनके बारे में मैं बताता हूँ। आपको कैसे पता चलेगा कि यू हैव बीन कॉज्ड बाय फूड पॉइजनिंग, तो इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो सबसे पहला सिम्टम्स होता है हेडेक। आपको क्या हो सकता है, बहुत तेज सर दर्द हो सकता है। इसके अलावा आपको क्या हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है। वॉमिटिंग से आप पता लगा सकते हैं कि आपको क्या हो चुका है, फूड पॉइजनिंग हो चुका है। और क्या क्या, इसके फीवर हो सकता है आपको, और आपको क्या हो सकता है, इवन आपको डायरिया भी हो सकता है। डायरिया क्या होती है, इस चमक से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है जो आपको किसकी वजह से हो सकती है, फूड पॉइजनिंग की वजह से हो सकती है। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा था कि जो सिम्टम्स होते हैं, यानी अगर जब आप क्या करते हैं, स्पॉइल्ड फूड आप कंज्यूम करते हैं, उससे आपको क्या हो सकता है, फूड पॉइजनिंग, जिसके सिम्टम्स है हेडेक, वॉमिटिंग, फीवर एंड डायरिया। और इसके कॉजेस क्या है, आखिर ये फूड पॉइजनिंग होता क्यों है, या जो स्पॉइलेज ऑफ फूड है वो क्यों होता है, तो इसका रीज़न है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मैंने बताया था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स आपके लिए क्या यूज़फुल भी है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स आपके लिए हार्मफुल भी है। तो चलिए बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, कॉजेस के बारे में, कि जो आपका फूड पॉइजनिंग होता है उसका कॉजेस क्या है, वो क्यों होता है आप लोगों को। तो फूड पॉइजनिंग का जो सबसे बड़ा कॉज है वो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं सच एज बैक्टीरिया एंड फंजाई, ये क्या करते हैं, आपके फूड को क्या करते हैं, स्पॉइल कर देते हैं। मैं दो एग्जांपल बता देता हूँ आप लोगों को माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स का, जो क्या करते हैं, स्पॉइलेज ऑफ फूड करते हैं। उसके एग्जांपल है सेल्मोनेला एंड एस्पेरिगेलस। ये आपके दोनों के दोनों क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स है, जो क्या करते हैं, स्पॉइलेज ऑफ फूड में बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करते हैं। मीन्स ये दोनों जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स है वो स्पॉइलेज ऑफ फूड के लिए क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। इसके अलावा मैंने बताया था कि जो कॉजेस थे वो क्या थे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसके बाद से जो आपका सेकेंड कॉज होता है जिसकी वजह से फूड पॉइजनिंग हो सकती है वो क्या होता है, टॉक्सिन्स प्रोड्यूस्ड बाई बैक्टीरिया एंड फंजाई। जो भी टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं, जो बैक्टीरिया एंड फंजाई है, वो आपके क्या प्रोड्यूस करते हैं, टॉक्सिन्स। टॉक्सिन्स क्या होते हैं, समझिए, टॉक्सिन्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो आपके लिए क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं, जो आपके स्टमक के लिए हार्मफुल होते हैं। मीन्स अगर आपने इसको कंज्यूम कर लिया आपके बॉडी में, तो ये क्या होता है, एक तरह का जहरीला पदार्थ होता है जो आपको क्या कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये आपके टॉक्सिन्स प्रोड्यूस्ड बाई द बैक्टीरिया एंड फंजाई, बैक्टीरिया एंड फंजाई। तो बैक्टीरिया और फंजाई से जो टॉक्सिन सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं आपके फूड में, उसकी वजह से भी आपको क्या हो सकता है, फूड पॉइजनिंग हो सकता है। इवन इसके अलावा जो कॉजेज है फूड पॉइजनिंग के, वो क्या है, ट्रेसेज ऑफ पेस्टिसाइड्स। अब ये ट्रेसेज ऑफ पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं वो समझ लीजिए। कई बार क्या होता है, जो बाहर से जो वेजिटेबल्स या फ्रूट्स हम लोग खरीद के लाते हैं, ठीक, मार्केट से जो खरीद के लाते हैं, तो इनके प्रोडक्शन के लिए जो फार्मर था उसने क्या यूज़ किया था, पेस्टिसाइड का यूज़ किया था। पेस्टिसाइड्स क्या होता है, एक केमिकल दवा होती है जो हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं, जो भी छोटे मोटे कीड़े मकौड़े जो होते हैं आपके पेस्ट्स होते हैं उनको मारने के लिए। तो कई बार जब ये फार्मर क्या करते हैं, अपने फार्म्स में, अपने खेतों में, अपने फलों को, अपने सब्जियों को इन पेस्ट से बचाने के लिए पेस्टिसाइड्स तो यूज़ कर लेते हैं, बट कई बार क्या होता है, इन पेस्टिसाइड्स जो केमिकल्स होते हैं उसके कुछ ट्रेसेस जो होता है हमारे वेजिटेबल्स में या फ्रूट्स में क्या होते हैं, रह जाते हैं। इसीलिए हम लोगों को बार बार कहा जाता है कि जो भी बाज़ार से हम लोग वेजिटेबल्स या फ्रूट्स खरीद के लाते हैं उनको क्या करना चाहिए, अच्छी तरीके से वॉश करना चाहिए, और उसके बाद से क्या करना चाहिए, कंज्यूम करना चाहिए। उसका रीज़न यही है, क्योंकि फार्मर ने क्या किया, डिफरेंट टाइप ऑफ फर्टिलाइजर्स यूज़ किया था, पेस्टिसाइड्स यूज़ किया था, वीडिसाइड्स यूज़ किया था, ये सारे के सारे क्या होते हैं, हार्मफुल केमिकल्स होते हैं विच आर यूज फॉर किलिंग द पेस्ट्स एंड वीड्स। यानी जो भी आपके जो अनयूज्ड, जो भी आपके पेड़ पौधों के साथ जो पत्तियां निकल जाती हैं या फिर जो छोटे छोटे आपके पेड़ निकल जाते हैं उसको मारने के लिए हम लोगों ने क्या यूज़ किया था, वीडिसाइड्स का यूज़ किया जाता है। वो भी एक तरह का केमिकल होता है, क्या होता है, एक जहरीला केमिकल होता है। उसी तरीके से पेस्टिसाइड जो हम लोग किस तरह यूज़ करते हैं, जो छोटे मोटे कीड़े मकौड़े होते हैं उनको मारने के लिए, तो वो भी एक जहरीला पदार्थ होता है। तो ये सारी चीज़ें जब आपके फ्रूट्स वेजिटेबल्स के साथ मिक्स हो जाती हैं और उसको आप क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, उसके वजह से भी आपको क्या हो सकता है, फूड पॉइजनिंग हो सकता है। क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो पेस्टिसाइड्स या वीडिसाइड्स जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, आप यूज़ करते हैं अपने फार्म्स में, इनका भी जो सोर्स है, यानी इनको बनाने के लिए भी जो सोर्स था वो क्या था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं, ये आपके बॉडी में जब एंटर कर जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ ट्रेसेस ऑफ पेस्टिसाइड, यानी पेस्टिसाइड के ट्रेसेस के फॉर्म में जब वो आपके बॉडी में एंटर कर जाते हैं, तो वो आपके बॉडी में फिर क्या करते हैं, आपको हार्म पहुँचाना शुरू कर देते हैं, और उसकी वजह से भी आपको क्या हो सकता है, फूड पॉइजनिंग हो सकता है। इसके अलावा जो एक और कॉज है वो क्या है,
मेटल सॉल्ट्स। अब ये मेटल सॉल्ट्स क्या होते हैं, ये कॉज कहाँ से आ गया? मेटल सॉल्ट्स होते हैं आप जो भी कंटेनर या फिर जो भी यूटेंसिल आप यूज़ करें अपने फूड को स्टोर करने के लिए। कई बार क्या होता है आपके फूड और यूटेंसिल्स के बीच में, उस कुकिंग यूटेंसिल्स के बीच में या फिर उस कंटेनर के बीच में क्या होता है, रिएक्शन होता है, और उस रिएक्शन से क्या प्रोड्यूस होता है, क्या निकलता है, मेटल सॉल्ट्स निकलते हैं जो आपके लिए बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं होते हैं, वो आपके लिए क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। जब ये आपके पेट पर जाता है तो क्या कॉज करता है, फूड पॉइजनिंग कॉज करता है। तो यहाँ मैंने बताया था कॉजेज ऑफ फूड पॉइजनिंग, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ फूड पॉइजनिंग। तो मैंने आप लोगों को ये बताया कि फूड पॉइजनिंग के कॉजेज क्या क्या होते हैं, फूड पॉइजनिंग। तो ये सारे जो कॉजेज थे वो किसके थे, फूड पॉइजनिंग के कॉजेज थे। मेटल सॉल्ट को एक बार मैं फिर से आपसे बता देता हूँ, डिस्कस कर लेता हूँ। मेटल सॉल्ट प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ फूड विद द मटेरियल ऑफ द कंटेनर और यूटेंसिल इन विच द फूड इज कैप्ट। यानी जिस भी फूड आपने फूड को क्या किया था, जिस भी कंटेनर में या जिस भी कुकिंग यूटेंसिल में स्टोर किया था, उस पर क्या होता है, जब फूड क्या करता है आपके यूटेंसिल्स के साथ रिएक्शन करता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, मेटल सॉल्ट, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, ये मेटल सॉल्ट क्या कॉज करता है, फूड पॉइजनिंग। तो ये सारे कॉजेज थे जिसकी वजह से फूड पॉइजनिंग होता है। अब हम बात करेंगे कि कैसे जो हमारे स्पॉइलेज ऑफ फूड है, मैंने बताया ये सारे कॉजेज थे फूड पॉइजनिंग के, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के एक्शन की वजह से हो सकता था, या फिर टॉक्सिन सब्सटेंस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स प्रोड्यूस करते थे, या फिर किसके, ट्रेसेस ऑफ पेस्टिसाइड्स की वजह से, या फिर किसकी वजह से, मेटल सॉल्ट्स की वजह से। तो मेन रीज़न जो था आपका क्या था, स्पॉइलेज ऑफ फूड, यानी स्पॉइलेज ऑफ फूड से क्या हो सकता था, आपको फूड पॉइजनिंग हो सकता था। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि कैसे अपने फूड को आप क्या करके प्रिजर्व करके अपने फूड को क्या कर सकते हैं, फूड पॉइजनिंग से बचा सकते हैं अपने आप को। फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है, फूड प्रिजर्वेशन इज़ अ मेथड और प्रोसेस। ये क्या होता है, एक मेथड होता है या फिर एक प्रोसेस होता है, किस लिए होता है, आपके फूड को प्रिजर्व करने के लिए, आपके फूड को क्या करने के लिए, बचाने के लिए, किससे, स्पॉइलेज, फ्रॉम द स्पॉइलेज ऑफ फूड। क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द स्पॉइलेज ऑफ फूड। अब ये आपका देखिए क्या हो सकता है, फिजिकल मेथड भी हो सकता है और ये एक केमिकल मेथड भी हो सकता है। तो ये आप फिजिकल मेथड से भी यूज़ करके आप अपने खाने को क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। इवन बाय यूजिंग केमिकल मेथड यू कैन आल्सो प्रिजर्व योर फूड। तो बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स होते हैं, कुछ फिजिकल मेथड के कैटेगरी में आते हैं, कुछ केमिकल मेथड्स की कैटेगरी में आते हैं, जिनको यूज़ करके आप अपने फूड को क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। तो आज मैं उन सारे मेथड्स के बारे में आपसे डिस्कस करूँगा वन बाय वन। ओवरऑल जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी मेथड्स हैं, सबके बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले उन मेथड्स का नाम जान लेते हैं हम लोग, जिन मेथड से अपने फूड को हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से मेथड्स हैं जिनसे हम अपने आप फूड को क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला मेथड है वो आपका क्या है, बाय कूलिंग, यानी ठंडा करके, बाय कूलिंग यू कैन ऑल्सो प्रिजर्व योर फूड। इसके बाद से जो नेक्स्ट मेथड है जिससे आप अपने फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं वो कौन सा है, बाय हीटिंग एंड कूलिंग ट्रीटमेंट। तो नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, बाय हीटिंग एंड कूलिंग ट्रीटमेंट, यानी उसको खाने को क्या कर देना है, गर्म कर देना, फिर उसको तुरंत क्या कर देना है, ठंडा कर देना है, उससे भी अपने खाने को हम क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। इसके बाद से जो नेक्स्ट मेथड है, बाय डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ वाटर, यानी जो भी फूड है उसके अंदर से हम लोग क्या करें, जो एक्सेस ऑफ वाटर है उसको रिमूव कर दिया जाए, तब भी हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने खाने को प्रिजर्व कर सकते हैं। और इसके बाद से जो फोर्थ मेथड है, बाय यूजिंग सॉल्ट एंड सुगर, यानी सॉल्ट एंड सुगर के यूज़ से भी हम अपने खाने को क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं, बाय यूजिंग सॉल्ट एंड सुगर। द नेक्स्ट मेथड इज़ बाय यूजिंग ऑयल एंड विनेगर के यूज़ से भी आप क्या कर सकते हैं, अपने खाने को प्रिजर्व कर सकते हैं। ये भी आपका एक क्या होता है, मेथड होता है, इसके इस मेथड का भी यूज़ करके अपने खाने को आप क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। इसके बाद से जो आपका अगला मेथड है, बाय हीटिंग एंड कैनिंग, यानी हीटिंग और कैनिंग मेथड्स, यानी खाने को क्या करना है, गर्म कर देना है और उसके बाद से किसी कैन में उसको क्या कर देना है, पैक कर देना है। तो हीटिंग और कैनिंग के मेथड से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने खाने को प्रिजर्व कर सकते हैं। इसके बाद से जो अगला मेथड है, बाय यूजिंग केमिकल प्रिजर्वेटिव्स।
जो भी आपके खाने पीने की चीज़ें जो पैकेट्स में बंद होकर आती है, इवन जो आपके चिप्स होते हैं और भी जो यूजेबल आइटम्स जो आपने खाने पीने की चीज़ें डे टू डे लाइफ में आप यूज़ करते हैं, जो जैम्स होते हैं, जो जेलीज होती हैं और भी बहुत सारी चीज़ें जो आप बटर्स यूज़ करते हैं, सब में क्या होता है, कुछ केमिकल प्रिजर्वेटिव्स को ऐड किया जाता है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा टाइम तक अपने फूड को आप क्या कर सके, इन्जॉय कर सके, ज़्यादा टाइम तक अपने फूड को क्या कर सके, आप प्रिजर्व रख सके, इसके लिए क्या करते हैं हम लोग केमिकल प्रिजर्वेटिव्स का यूज़ करते हैं। और इसके बाद से एक और मेथड जो बच जाता है वो आपका क्या था, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ, बाय वैक्यूम पैकेजिंग। वैक्यूम पैकेजिंग क्या होता है, जो आप लोग चिप्स के पैकेट यूज़ करते हैं और भी बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें जो आप यूज़ करते हैं उस पर आपको क्या लगता है, हवा भरी होती है ना? हवा नहीं होती है, वो क्या होता है, नाइट्रोजन गैस होती है। तो ये वैक्यूम पैकेजिंग से ही क्या आता है, उसके अंदर की जो भी ऑक्सीजन या जो भी एयर उसके अंदर प्रेजेंट होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, इवैक्यूएट कर देते हैं, निकाल देते हैं, और उसकी जगह कौन सी गैस फिल कर देते हैं, नाइट्रोजन, बिकॉज नाइट्रोजन इज अ प्रिजर्वेटिव गैस। नाइट्रोजन कैसी गैस होती है, प्रिजर्वेटिव गैस होती है, वो आपके खाने को क्या करती है, प्रिजर्व करने में हेल्प करती है। तो मैंने इन सारे मेथड्स का आप लोगों को क्या बता दिया, सिर्फ नाम बता दिया है, इसको मैं वन बाय वन डिस्कस करूंगा कि कैसे कूलिंग करके क्या ऐसा करते हैं कि खाने को हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। उसी तरीके से जितने भी मेथड्स हैं सबके बारे में मैं वन बाय वन आपसे डिस्कस करूंगा कि कैसे इन मेथड्स के अंदर ऐसा क्या हम लोग करते हैं, किन केमिकल्स का यूज़ करते हैं, किन मेथड्स का यूज़ करते हैं, जो प्रोसेस है उसको कैसे करते हैं और किस तरीके से अपने खाने को प्रिजर्व करते हैं। इन सबको बताने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूँगा कि खाने को बचाना ज़रूरी क्यों है, वॉट इज़ द नीड ऑफ प्रिजर्विंग फूड, आखिर क्यों, आखिर ऐसा क्या ज़रूरत पड़ गया कि हमको खाने को क्या करना पड़ गया, प्रिजर्व करना पड़ गया, आखिर खाने के प्रिजर्वेशन से क्या होगा, ये टॉपिक पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद से जितने भी मैथड्स हैं उसके बारे में वन बाई वन हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वॉट इज़ द एडवांटेजेस ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, एडवांटेजेस ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, यानी फूड प्रिजर्वेशन का एडवांटेज क्या है, यानी क्या, क्यों ऐसा, क्या ऐसा जरूरी पड़ गया, क्या ऐसी ज़रूरत पड़ गई कि अपने खाने को हम लोग क्या करना चाहते थे, प्रिजर्व करना चाहते थे। तो सबसे पहला जो एडवांटेज है इसका आपका क्या था, डिक्रीज इन फूड वेस्टेज। ठीक, यानी जो भी आपका जो फूड था, ठीक है, कई बार क्या होता था आपका खाना ख़राब हो जाता था जिसकी वजह से वो क्या होता था, वेस्ट हो जाता था। तो फूड प्रिजर्वेशन के मेथड को यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, फूड के वेस्टेज को कम कर सकते हैं। दूसरा क्या आपका एडवांटेज है, इंक्रीज स्टोरेज पीरियड ऑफ फूड। यानी फूड प्रिजर्वेशन के मेथड का यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, खाने के स्टोरेज पीरियड को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अगर हमारे पास कोई भी ऐसा टेक्निक, कोई भी मेथड नहीं होता है तो कोई भी खाना हम लोग क्या कर सकते थे, बहुत कम टाइम के लिए यूज़ कर सकते थे, उस टाइम के बाद से वो खाना क्या होता है, ख़राब हो जाता है। बट बाई यूजिंग फूड प्रिजर्वेशन मैथड यू कैन इंक्रीज द स्टोरेज पीरियड ऑफ फूड। इसीलिए तो जितने भी मार्केट्स हम लोग जो पैकेट्स में बंद खाने पीने की चीज़ें लाते हैं उनको काफ़ी टाइम तक रख के हम क्या कर सकते हैं, स्टोर करके यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनका स्टोरेज पीरियड क्या होता है, इन मेथड्स की वजह से क्या हो चुका है, बढ़ चुका है, जिसको हम लोग लंबे टाइम के लिए रख के क्या कर सकते हैं, खा सकते हैं। इसके अलावा और क्या एडवांटेज होता है, अवेलेबिलिटी ऑफ आउट ऑफ सीजनल फूड। जो आपके सीजनल फ्रूट्स होते हैं या फूड जो होता है सीजनल फूड, चलिए ठीक है, बात करते हैं किसके बारे में, सीजनल फूड के बारे में। जो आपका सीजनल फूड होता है या जो आपके सीजनल फ्रूट्स होते हैं, कुछ वेजिटेबल्स होती हैं जो एक पर्टिकुलर सीज़न में ही आपको मिलती हैं, उसके बाद से वो सीज़न जाने के बाद से वो फ्रूट्स या वेजिटेबल्स नहीं मिलती हैं। बट हम लोग क्या कर सकते हैं, फूड प्रिजर्वेशन मेथड का यूज़ करके इवन आउट ऑफ सीजन में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, उन फूड आइटम्स का, उन फ्रूट्स का, उन वेजिटेबल्स का क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊँ, जो कॉमन डे टू डे लाइफ का एग्जांपल है उसमें से मैं आपको बता दूँ कि जो आप क्या करते हैं, जो मटर यूज़ करते हैं, अक्सर मटर हम लोग को किस में मिलता है, विंटर सीज़न। बट आज की डेट में हम लोग क्या कर सकते हैं, ठंडी गर्मी बरसात कभी भी मटर यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो पैकेट्स में पैक्ड मिलता है हम लोगों को। यानी हम लोग क्या किए, हम लोग इन फूड प्रिजर्वेशन मेथड्स का यूज़ करके जो आउट ऑफ सीजनल फूड थे उनको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, विदाउट सीज़न, जब वो सीज़न में ग्रो भी नहीं कर रहा हो तब भी हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं बाई यूजिंग फूड प्रिजर्वेशन मैथड।
इसके बाद से और जो आपका एक एडवांटेज था वो था अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एट डिस्टेंस प्लेसेस, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मटेरियल एट डिस्टेंस प्लेसेस, मटेरियल एट डिस्टेंट प्लेसेस, डिस्टेंट प्लेसेस। कई बार जो होता है, जो बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, फूड आइटम्स का मिलना क्या होता है, मुश्किल होता है। और बहुत सारी ऐसी भी जगह होती है जहाँ पे फूड आइटम्स आसपास आपके नहीं मिलते हैं, बहुत दूर दूर तक जाने पे मिलता है। तो ये ऐसी जगहों पे हम लोग क्या करते हैं, एक ही बार जो फूड आइटम्स होते हैं उनको क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि फूड प्रिजर्वेशन मेथड से क्या हो सकता है, आपका उसका स्टोरेज पीरियड बढ़ा सकते हैं, फूड वेस्टेज कम कर सकते हैं, जो आउट ऑफ सीजनल फूड है उसको भी आप क्या कर सकते हैं, अवेलेबल करा सकते हैं। उसी तरीके से इन सारे मेथड्स का यूज़ करके फूड प्रिजर्वेशन मेथड का जो डिस्टेंट प्लेसेस है वहाँ पे हम खाने को क्या कर सकते हैं, पहुँचा सकते हैं। एक बार आपने अगर किसी भी तरह खाने को पहुँचा दिया तो वो फूड आपका क्या हो सकता है, एक लॉन्ग टाइम के लिए आप स्टोर कर सकते हैं, इवन उसको क्या कर सकते हैं, वेस्ट होने से बचा सकते हैं, इवन जो आउट ऑफ सीजनल फूड आइटम्स हैं उसका भी यूज़ आप क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। जो पेड़ जो मैं बता रहा था कि जो बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे हिली रीजन्स में रहते हैं या फिर जो ग्लेशियर्स रीजन्स में रहते हैं वो क्या करते हैं, अपने साथ एक बार में सारा फूड आइटम क्या करते हैं, स्टोर करके रख लेते हैं। ये फूड प्रिजर्वेशन के ही हेल्प से हो सकता है। क्यों? क्योंकि लंबे टाइम के लिए अगर आपको खाने को रख के खाना है तो आप क्या करते हैं, फूड प्रिजर्वेशन मेथड का यूज़ करते हैं। तो आज हम लोगों ने देखा कि कैसे फूड प्रिजर्वेशन मेथड का यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इन सारे एडवांटेजेस को अपनी लाइफ में क्या कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। अब इसके बाद से हम लोग वापस अपने टॉपिक पे चलते हैं जो कि क्या था, फूड प्रिजर्वेशन के डिफरेंट मेथड्स। तो वन बाय वन मैं आपको बताने वाला हूँ जितने भी फूड प्रिजर्वेशन मेथड्स थे उसके बारे में वन बाय वन डिस्कस करूँगा कि क्या होता है और कैसे उसको करते हैं। तो चलिए ध्यान से देखिए, जो कि क्या था, बाय कूलिंग, यानी बाय कूलिंग यानी किसी भी खाने पीने के आइटम को या फिर आपके जो फूड आइटम्स होते हैं उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, उनको ठंडा करके फूड को क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला मेथड मैं बता रहा था आपको फूड प्रिजर्वेशन का क्या था, बाय कूलिंग। जो भी आपके डेली डे टू डे फूड आइटम्स होते हैं, जैसे आपके वेजिटेबल्स हो गया, मीट हो गया, फ्रूट आइटम्स हो गया, इवन जो आपके बॉइल्ड मिल्क होते हैं, कर्ड है, कुक्ड फूड आइटम्स है, इन सबको हम क्या करते हैं, रेफ्रिजरेटर में या डीप फ्रीजर पे क्या करते हैं, लो टेम्परेचर पर रख देते हैं, जिससे जो आपका फूड आइटम होता है वो क्या होता है, खराब होने से बच जाता है। तो बाय कूलिंग मेथड यू कैन प्रोटेक्ट योर फूड फ्रॉम द स्पॉइलेज, यानी आप कूलिंग मेथड का यूज करके क्या कर सकते हैं, अपने फूड को खराब होने से बचा सकते हैं। तो कौन कौन सी फूड आइटम्स हैं जिनको हम लोग क्या करते हैं, बाय कूलिंग से प्रिजर्व करते हैं, तो मैं आपको बता रहा था वेजिटेबल्स, फ्रूट, इवन जो आपके जो मीट वगैरह होते हैं उसको भी आप क्या कर सकते हैं, बाय कूलिंग से यानी कूलिंग करके यानी उसको ठंडी जगहों पे रख के क्या कर सकते हैं, उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। इवन आपका जो मिल्क होता है, कर्ड होता है, ठीक, और क्या हो सकता है, आपके जो कुक्ड फूड आइटम्स होते हैं इनको हम क्या करते हैं, इनको हम सिंपली क्या करते हैं, अपने फ्रिज में जो भी आपका रेफ्रिजरेटर होता है और डीप फ्रीजर में रख के क्या कर सकते हैं, इनको हम लोग प्रिजर्व कर सकते हैं। मीन्स कि इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका स्टोरेज पीरियड बढ़ा सकते हैं, इसकी अवेलेबिलिटी बढ़ा सकते हैं, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इनको स्पॉइल होने से क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो बाय कूलिंग मेथड में अब देखिए होता क्या है, आखिर कूलिंग में ऐसा क्या होता है कि जो आपका खाना जो होता है स्पॉइल नहीं होता है, आखिर उसका कुछ रीज़न होगा। आप सोच रहे होंगे कि कूलिंग में ऐसे फ्रिज में रख देने से हमारे खाने में ऐसा क्या हो जाता है कि वहाँ पे जो स्पॉइलेज होता है वो फूड का नहीं होता, यानी जो वेस्टेज होता है फूड का नहीं होता, तो ऐसा क्यों होता है, उसका रीज़न क्या है। तो फर्स्ट रीज़न जो है आपका, जो कूलिंग होती है वो क्या करती है, रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को क्या कर देती है, कम कर देती है, या फिर उसको वहीं पर क्या करती है, रोक देती है। रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिक, यानी जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसके ग्रोथ को क्या करता है, रोक देता है, उसके ग्रोथ को क्या करता है, कम कर देता है। इसके बाद से जो सेकंड आपका जो सेकंड बाय कूलिंग से ऐसा सेकंड एडवांटेज क्या है जिससे आपके स्पॉइलिंग ऑफ फूड कम हो जाता है, तो ये आपका क्या करता है, इनएक्टिवेट द एंजाइम प्रेजेंट इन द फूड, इनएक्टिवेट द एंजाइम प्रेजेंट इन द फूड, प्रेजेंट इन द फूड। तो आपके फूड आइटम में क्या होते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, ठीक,
ये इंजाइम्स भी जो होते हैं इसके अंदर भी क्या होता है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, तो जो आपका कूलिंग है वो क्या करता है, इन इंजाइम्स को इनएक्टिवेट कर देता है। मीन्स जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स होंगे उसके एक्शन को ये क्या कर देगा, इनएक्टिवेट कर देगा, उससे भी आपका फूड क्या हो सकता है, स्पॉइल होने से बच सकता है। इवन आपके जो फूड आइटम जैसे कि फिश हो गया, मीट हो गया, फिश एंड मीट, इसको आप क्या कर सकते हैं, कूलिंग से ना महीनों तक यूज कर सकते हैं। इट कैन बी यूज फॉर मंथ, यानी आप कई महीनों तक, एक दो महीनों तक क्या कर सकते हैं, कूलिंग से फिश और मीट को क्या कर सकते हैं, डीप फ्रीजर में रख के आप महीनों तक इनका यूज कर सकते हैं। तो हमने क्या पढ़ा, हमने सबसे पहले मेथड पढ़ा है किसका, फूड प्रिजर्वेशन का, जिसमें मैंने सबसे पहला मेथड आपको बताया था बाय कूलिंग। यानी किसी भी खाने पीने की चीज़ को, फूड आइटम्स को हम लोग क्या करते हैं, ठंडी जगहों पे रख के, जैसे कि फ्रिज हो गया, डीप फ्रीजर हो गया, वहाँ पे रख के उनको हम क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं, किससे, स्पॉइल से, यानी स्पॉइल होने से खाने को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। इसके बाद से अपने अगले मेथड पे चलते हैं जो कि हमारा क्या है, बाय हीटिंग एंड कूलिंग ट्रीटमेंट, जो सेकेंड मेथड है, बाय कूलिंग एंड हीटिंग ट्रीटमेंट। तो जो हमारा सेकेंड मेथड था, बाय हीटिंग एंड कूलिंग ट्रीटमेंट, बाय हीटिंग एंड कूलिंग ट्रीटमेंट। देखिए अब आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, बाय हीटिंग एंड कूलिंग ट्रीटमेंट में क्या करते होंगे, सबसे पहले खाने को, फूड आइटम को क्या करते होंगे, हीट करते होंगे, और उसके बाद उसको क्या कर देते होंगे, ठंडा कर देते होंगे। इससे होता है क्या, एक्सट्रीम हीट होने पे भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आपके फूड में प्रेजेंट होते हैं, जो कॉज होते हैं स्पॉइलेज ऑफ फूड के, वो खत्म हो जाते हैं, और उसके बाद तुरंत उसको ठंडा कर देने से जो बचे हुए माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, उसमें से खत्म हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। बाय हीटिंग एंड कूलिंग ट्रीटमेंट से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी खाने को प्रिजर्व करते हैं। इसका खोज जो जिस साइंटिस्ट ने किया था उसका नाम था लुईस पैस्चर, और उन्होंने एक टर्म दिया था पैस्चराइजेशन। अब पैस्चराइजेशन क्या होता है, इसी मेथड को कहते हैं, जो आपका हीटिंग और कूलिंग ट्रीटमेंट मेथड है उसी को हम लोग क्या, एक और नाम से जानते हैं, जिसको क्या कहते हैं, पैस्चराइजेशन कहते हैं। इसकी खोज किसने की थी, लुईस पैस्चर ने की थी, साइंटिस्ट ने की थी, लुईस पैस्चर। तो पैस्चराइजेशन में करते हैं क्या, हम लोग मिल्क को प्रिजर्व करते हैं। कैसे करते हैं, तो हम लोग मिल्क को सबसे पहले क्या करते हैं, मिल्क को क्या करते हैं, हीट करते हैं, कितने डिग्री सेल्सियस पे, 60-65 डिग्री सेल्सियस पे मीट को क्या करते हैं, सॉरी मिल्क को क्या करते हैं, हीट करते हैं, और उसके बाद से क्या करते हैं, अबाउट 30 मिनट टू किल द बैक्टीरिया, करीब आधे घंटे तक इसको क्या करते हैं, अबाउट 30 मिनट टू किल द बैक्टीरिया, यानी जो हमारा मिल्क होता है, जो आप पैकेट्स में बाजार से जो मिल्क खरीद के लाते हैं, इवन जो पाउचेस में आता है, पैकेट्स में आता है, बॉटल्स में आता है, उसको कैसे पैक करते हैं, उसी का तरीका मैं बता रहा था, पैस्चराइजेशन मेथड से यूज करके हम उस मिल्क को क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं लॉन्ग टाइम के लिए। तो सबसे पहले मिल्क को क्या कहता है, 60-65 डिग्री सेल्सियस पे क्या कहता है, हीट किया जाता है अबाउट 30 मिनट, यानी आधे घंटे तक आपके मिल्क को, आपके दूध को क्या कहता है, हीट किया जाता है, ताकि उसके अंदर जो भी बैक्टीरिया हो वो क्या हो जाए, खत्म हो जाए। और उसके बाद से क्या करते हैं, उसके बाद से इसको तुरंत क्या करते हैं, क्विकली कूलिंग करते हैं, कूलिंग क्विकली, यानी उसके बाद से तुरंत उसको क्या करते हैं, ठंडा कर देते हैं। क्यों, टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ रिमेनिंग बैक्टीरिया, कूलिंग क्विकली टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ रिमेनिंग बैक्टीरिया। यानी अभी आपको बताया था कि जब सबसे पहले क्या करते हैं, मिल्क को हम लोगों ने क्या किया, 60-65 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया, और हीट करने के बाद से उसको आधे घंटे तक हीट किया, तो उसमें बहुत सारी बैक्टीरिया क्या थी, मर जाती है, बट कुछ बैक्टीरिया अभी भी जो रह जाती है, उसको तुरंत ठंडा करने से क्या होता है, उनका ग्रोथ वहीं से खत्म हो जाता है। और इसके बाद से हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा ठंडा दूध रहता है, जो 60-65 डिग्री सेल्सियस पे हीट करने के बाद उसको तुरंत क्या किए, ठंडा किया, अभी इस बचे हुए दूध को क्या करेंगे, तुरंत इसको क्या कहते हैं, मिल्क इज फिल्ड इनटू बॉटल्स एंड पाउचेस। और ये बॉटल्स एंड पाउचेस कैसे होते हैं, स्टेरिलाइज होते हैं, मीन्स स्टेरिलाइज का मतलब हो गया जिसके अंदर कोई भी बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट
ना हो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्टेरिलाइज। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि कैसी हीटिंग और कूलिंग ट्रीटमेंट से आप क्या कर सकते हैं, अपने खाने को प्रिजर्व कर सकते हैं। स्पेशली जो हीटिंग और कूलिंग ट्रीटमेंट यूज किया जाता है वो मिल्क के प्रिजर्वेशन के लिए फॉलो किया जाता है, मिल्क के प्रिजर्वेशन के लिए ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। जो भी आपकी फैक्ट्रीज है जो मिल्क का प्रोडक्शन कर रही हैं वो इसी मेथड का यूज़ करती हैं। इस मेथड को किसने खोजा था, लुईस पाश्चर ने, और इस मेथड का क्या नाम है, पैस्चराइजेशन। तो पैस्चराइजेशन में बेसिकली हम लोग करते क्या है, मिल्क को आधे घंटे के लिए 60-65 डिग्री सेल्सियस पे क्या करते हैं, हीट करते हैं, और हीट करने के बाद उसको तुरंत क्या करते हैं, ठंडा कर देते हैं। गर्म करने से, हीट करने से क्या होता है, जो भी उसके अंदर हार्मफुल बैक्टीरिया होती है वो खत्म हो जाती है, वो मर जाती है, और उसके बाद फिर जो बची हुई बैक्टीरिया रह जाती है उसको भी ठंडा करने से क्या होता है, वो भी उसका ग्रोथ खत्म हो जाता है। और इसके बाद फिर तुरंत मिल्क को क्या करते हैं, स्टेरिलाइज बॉटल या फिर पाउचेज में क्या करते हैं, पैक कर लेते हैं। जो आपके घर में जो दूध आता है मार्केट से आप लेके आते हैं वो किस में पैक होता है, पाउचेज में पैक होता है। तो ये ओवरऑल मैंने बता दिया आपको कि बाय हीटिंग एंड कूलिंग ट्रीटमेंट से कैसे हम अपने खाने को क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। अब इसके बाद से अपने अगले मेथड पे आ जाते हैं जो कि हमारा क्या है, बाय डिहाइड्रेशन। बाय डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है रिमूवल ऑफ वाटर। यानी कहीं से अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, वाटर को रिमूव कर रहे हैं, इसका मतलब वो बॉडी या वो जो भी ऑर्गन, सॉरी जो भी सब्सटेंस है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, डिहाइड्रेट कर रहे हैं। तो हमारा जो अगला मेथड है वो हमारा क्या है, बाई डिहाइड्रेशन। बाई डिहाइड्रेशन, बाई डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन का मैंने मतलब बता दिया आप लोगों को, रिमूवल ऑफ वाटर। यानी डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ वाटर। यानी वाटर को हम लोग क्या करते हैं, अपने फूड आइटम में से रिमूव कर देते हैं, जिससे हमारा खाना क्या हो सकता है, प्रिजर्व हो सकता है। देखिए होता है क्या, जब हम लोग करते हैं रिमूवल ऑफ वाटर करते हैं तो इससे क्या फ़ायदा है, एक तो हमारा खाना क्या होता है, प्रिजर्व हो जाता है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है, इट रिड्यूसेस द मॉइस्चर कॉन्टेंट ऑफ द फूड एंड रिटार्ड्स द ग्रोथ ऑफ फूड स्पॉइलिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये क्या करता है, इट रिड्यूसेस द मॉइस्चर, रिड्यूसेस द मॉइस्चर एंड रिड्यूसेस द मॉइस्चर कंटेंट। ये क्या करता है, जो भी मॉइस्चर कंटेंट है उसको रिड्यूस कर देता है, एंड इट ऑल्सो रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो यानी जो भी फूड में हमारा क्या होता है, एक्सेस वाटर होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको वहाँ से निकाल देते हैं, रिमूव कर देते हैं, जिससे हमारे खाने में जो एक्स्ट्रा जो मॉइस्चर कंटेंट होता है वो हट जाता है। और ये क्या करता है, आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को क्या करता है, रिटार्ड कर देता है, मीन्स आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को कम कर देता है, उसको ख़त्म कर देता है। आप लोगों ने अपने घर पर देखा होगा कि बहुत सारे फल और सब्जियाँ हम जब बाजार से लेके आते हैं, बहुत सारी सब्जियों के साथ ऐसा करते हैं, तो उसको तुरंत क्या करते हैं, धूप में रख देते हैं। क्या करते हैं, धूप पे रख देते हैं, थोड़ी देर के लिए उसमें धूप लग जाता है, तो उसके अंदर जो भी वाटर रहता है वो क्या होता है, वेपर के फॉर्म में इवोपरेट हो जाता है। तो इस तरीके से तो उसमें जो मॉइस्चर कंटेंट था वो क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो जो बाई डिहाइड्रेशन मेथड हम लोग पढ़ रहे थे, इसके अंदर मैं बताऊंगा आपको कैसे करते हैं। एक तरीका हमारा बाई सन ड्राइंग, यानी धूप में क्या करते हैं, सुखा देते हैं, और दूसरा है बाई स्मोकिंग, मीन्स उसको क्या करते हैं, टेम्परेचर पे ले जाके, एक फिक्स टेम्परेचर पे ले जाके क्या करते हैं, हीट करते हैं। तो बाई सन ड्राइंग में मैं आपको बता दूं, जो आपके घर पे कैलीफ्लावर आती है, जो गोभी आती है, उसको हम लोग क्या करते हैं, धूप में डालते हैं, ताकि उसके अंदर जो वाटर है वो वहाँ से क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। इसके अलावा आप घर पे जो साग यूज करते हैं उसको भी हम लोग धुलने के बाद से क्या करते हैं, धूप में डाल देते हैं, ताकि उसके अंदर जो भी पानी चला गया वो क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। इसके बाद से जो घर पे आप लोग मेथी यूज करते हैं, इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, फेनोग्रीक कहते हैं, फेनोग्रिक कहते हैं, GREEK फेनोग्रिक कहते हैं, ठीक। और इसके अलावा जिंजर, जो आप क्या करते हैं, अदरक यूज़ करते हैं, उसमें भी हम क्या करते हैं, इसको भी हम लोग धुलने के बाद से क्या करते हैं, धूप में सुखाते हैं, ताकि उसके अंदर जो भी एक्सेस ऑफ वाटर है या उसके अंदर जो भी मॉइस्चर कंटेंट है वो वहाँ से क्या हो जाए, इवोपरेट हो जाए। इसके बाद हम लोग बाई स्मोकिंग मेथड में पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग हीट करके उस फूड आइटम में से वाटर को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। तो बेसिकली स्मोकिंग हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं, फिश एंड मीट के लिए, फिश एंड मीट। तो फिश एंड मीट में से वाटर को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्मोकिंग मेथड का यूज़ करते हैं। ये दोनों मेथड किसके अंडर में आते हैं, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में बेसिकली हम लोग करते क्या है, जो भी वाटर कंटेंट होता है, मीन्स जो भी मॉइस्चर कंटेंट होता है आपके फूड का, उसको क्या करते हैं, वहाँ से रिमूव कर देते हैं। अब इसके बाद हम लोग अपने अगले मेथड को पढ़ेंगे जो कि हमारा था फूड प्रिजर्वेशन का। तो हमारा अगला मेथड क्या है, बाय यूजिंग सॉल्ट एंड शुगर। यानी सॉल्ट और शुगर के यूज से भी हम अपने खाने को क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं फूड प्रिजर्वेशन में कैसे सॉल्ट और शुगर आपकी हेल्प करता है। बाय यूजिंग सॉल्ट एंड शुगर, बाय
यूजिंग सॉल्ट एंड शुगर, यानी सॉल्ट एंड शुगर के यूज से भी आप क्या कर सकते हैं, अपने खाने को प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं क्या है। हाई कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अबाउट 15-18% रिमूव वाटर फ्रॉम द फूड। जब आप क्या करते हैं किसी भी खाने में क्या करते हैं, नमक को मिला देते हैं। हाई कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट कितना, 15-18%। अगर आप क्या करते हैं इतने अमाउंट में सॉल्ट को क्या करते हैं किसी फूड आइटम में ऐड करते हैं, तो ये क्या करता है आपके फूड से क्या करता है, रिमूव द वाटर। अब ये करता क्या है, ये वाटर को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक, तो इस तरीके से वो वाटर को क्या करता है, वहाँ से रिमूव कर देता है। और क्या हेल्प करता है आपकी, इट रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसके अलावा ये क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को भी क्या करता है, कम करता है। सेम इसी तरीके से आप शुगर जब यूज करते हैं तो वो भी क्या करता है, यही सेम फंक्शन शुगर भी करता है। बस वहाँ पे आप क्या करते हैं, जो आप शुगर ऐड करते हैं मोर देन 68%, आप क्या करते हैं जब शुगर यूज करते हैं मोर देन 68%, वो भी क्या करता है, जो एक्सेस ऑफ वाटर होता है उसको वहाँ से क्या करता है, रिमूव कर देता है। इवन इट ऑल्सो रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड प्रिवेंट फूड स्पॉइलेज। और दोनों ही केसेज में क्या हो सकता है, प्रिवेंट द फूड स्पॉइलेज। यहाँ पे मैं शुगर लिख देता हूँ, शुगर। तो मैं आपको बता रहा था, चाहे आप किसका यूज करते हैं, चाहे आप सॉल्ट का यूज करते हैं या फिर शुगर का यूज करते हैं, दोनों ही क्या करते हैं, आपके जो एक्सेस ऑफ वाटर होता है या वाटर कंटेंट होता है उसको क्या करता है, रिमूव कर देता है। वहां से जो मॉइस्चर होता है उसको रिमूव कर देता है। और इसके अलावा क्या करता है, इट रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को कम कर देता है या फिर रोक देता है। एंड इट ऑल्सो प्रिवेंट द फूड फ्रॉम स्पॉइलेज, इसके अलावा ये आपके फूड को क्या करता है, स्पॉइलेज से भी बचाता है। अब इसके बाद हम अपने अगले नेक्स्ट मेथड को देखेंगे, जो कि हमारा बाय यूजिंग ऑयल एंड विनेगर। तो ऑयल एंड विनेगर में क्या करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट मेथड था वो क्या था, बाय यूजिंग ऑयल एंड विनेगर। ऑयल और विनेगर के यूज से भी आप क्या कर सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्शन को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, अपने फूड को क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं, किससे, स्पॉइलेज से। तो जो भी आपके जो विनेगर होता है, विनेगर ऑयल, और क्या होता है, साइट्रिक एसिड। ठीक, और जो भी आपके स्पाइसेस होते हैं, इन सब में हम क्या करते हैं, बहुत सारे ऑयल का यूज करते हैं, उससे हम क्या कर सकते हैं, अपने खाने को क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, एज अ फूड प्रिजर्वेटिव काम करते हैं। जो भी आपका विनेगर ऑयल होता है, साइट्रिक एसिड होता है, जो स्पाइसेस ऑयल, जो आप क्या करते हैं अपने स्पाइसेस में जो ऑयल का यूज करते हैं, इन सब ये सब के सब किस तरीके से काम करते हैं, एज अ फूड प्रिजर्वेटिव, दे ऑल एक्ट एज अ फूड प्रिजर्वेटिव, यानी आपके खाने को क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, आपके खाने को खराब होने से बचाते हैं। और ये आपके लिए क्या करते हैं, इट डू नॉट परमिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इन योर फूड। ये क्या करता है, अलाउ नहीं करता है बैक्टीरिया के ग्रोथ को आपके फूड आइटम में। इट डज नॉट परमिट बैक्टीरिया टू ग्रो इन दिस एनवायरमेंट। तो कौन कौन से फूड आइटम हैं जिनको हम लोग क्या कर सकते हैं, इस मेथड से प्रिजर्व कर सकते हैं, वो आपके हैं वेजिटेबल्स फ्रूट्स मीट एंड फिश। यानी जो भी आपके यूजेबल फूड आइटम्स होते हैं, जो डे टू डे लाइफ में इन सारे फूड आइटम्स का आप यूज करते हैं, इनको आप क्या कर सकते हैं, बाय यूजिंग विनेगर ऑयल, साइट्रिक एसिड, स्पाइसेस ऑयल, आप इन सब का यूज करके क्या कर सकते हैं, अपने खाने को प्रिजर्व करते हैं। हम लोगों के घर पे ये जो सबसे कॉमन मेथड होता है, बाय यूजिंग ऑयल एंड विनेगर, आपके घर पे जो स्पाइसेस बनते हैं, जो अचार बनते हैं, उसमें आप लोगों ने कभी देखा होगा तो बहुत सारा एक्सेस ऑफ सॉल्ट यूज करते हैं, बहुत सारा एक्सेस ऑफ ऑयल यूज करते हैं, किसके, ताकि वो ज्यादा समय तक क्या कर सके, आप यूज कर सके। इवन जो आपके घर पे जो अचार वगैरह बनता है उसको हम लोग क्या करते हैं, सालों साल खाते हैं, एक बार बना के रख देते हैं और उसको काफी टाइम तक क्या करते हैं, यूज करते हैं, और वो कभी खराब नहीं होता है। क्यों, क्योंकि आपने क्या यूज किया था, एक्सेस ऑफ ऑयल यूज किया था, आपने क्या यूज किया था, एक्सेस ऑफ सॉल्ट यूज किया था। तो इन सबके यूज की वजह से जो आपका अचार होता है, जो आपके स्पाइसेस होते हैं, उसको आप लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद से हम अपने नेक्स्ट मेथड पे आते हैं, जो कि हमारा था बाय हीटिंग एंड कैनिंग। कैसे हीटिंग और कैनिंग मेथड से अपने खाने को हम लोग क्या कर सकते हैं,
प्रिजर्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हीटिंग और चैनिंग मेथड में क्या है और किस तरीके से हमारे खाने को ये प्रिजर्व करता है। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, बाई हीटिंग एंड कैनिंग। तो ये हमारा अगला मेथड है फूड प्रिजर्वेशन का, जिसमें हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से हीटिंग और कैनिंग मेथड का यूज करके हम अपने खाने को क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल सा टॉपिक आपको समझ में आ रहा होगा कि खाने को क्या करते होंगे, हीट करते होंगे और उसको कैंस में क्या करते होंगे, पैक कर देते होंगे। तो बहुत सिंपल था, यही इस मेथड के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम लोग क्या करते हैं खाने को हीट 110 डिग्री सेल्सियस पे, किसी भी खाने को क्या करते हैं फूड आइटम को 110 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं फॉर अबाउट 30 मिनट तक उस फूड आइटम को क्या करते हैं हम लोग 110 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं। इससे क्या होता है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो भी फूड स्पॉइलिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म था वो वहाँ से क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। इट किल्स द फूड स्पॉइलिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी जो भी आपका फूड स्पॉइलिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, उसको इस मेथड से आप क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। आज हम अपने खाने को क्या करते हैं 110 डिग्री सेल्सियस पे क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो जो भी उसके अंदर जो बैक्टीरिया या हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो आपके खाने को क्या कर रही है, खराब कर रही है, उसको वो क्या करता है, किल कर देता है, वहां से खत्म कर देता है। और उसके बाद से क्या करते हैं, जो आपका फूड आइटम्स है उसको कैनिंग कर देते हैं, मीन्स उसको कैंस में क्या करते हैं, पैक कर देते हैं। देन कैंड अंडर वैक्यूम रिमेन्स सेफ फॉर लॉन्गर पीरियड। अब क्या मैंने लिखा है ये मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, मैंने लिखा था कि आप क्या करते हैं, किसी भी फूड आइटम को हीट करते हैं 110 डिग्री सेल्सियस पे आधे घंटे के लिए। उससे क्या होता है, जो भी उसके अंदर फूड स्पॉइलिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है, जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया होती है, वो वहाँ से खत्म हो जाती है। और उसके बाद से उसको तुरंत क्या करते हैं, कैनिंग कर देते हैं, मीन्स कैंस पे क्या करते हैं, पैक कर देते हैं। अंडर वैक्यूम लिखा हुआ, अब वैक्यूम का मतलब क्या होता है, वैक्यूम का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ एयर, यानी जहाँ पे हवा नहीं होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वैक्यूम। तो ऐसा क्यों किया जाता है, ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि आपके हवा में अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट कर रहा हो, जैसे हवा में क्या होता है थोड़ा सा मॉइस्चर होता है, बाकी सारी गैसेज होती हैं, अगर उसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट कर रहा हो तो वो आपके खाने में कैंस में ना जा पाए। इसीलिए हम लोग उसकी पैकेजिंग किस में कहते हैं, वैक्यूम्स में कहते हैं, जहाँ पे एयर नहीं होता है, कोई भी मॉइस्चर नहीं होता है। इसीलिए आप अपने खाने को क्या करते हैं, वैक्यूम के अंडर में पैक करते हैं, कैनिंग करते हैं, जिससे आपका खाना लॉन्गर पीरियड के लिए आप क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कैंस को क्या करते हैं ऐसे खुले इन्वायरमेंट में पैक करेंगे तो कुछ हवा जो होगी आपके कैंस में चली जाएगी और थोड़े टाइम बाद क्या होगा, आपके कैन के अंदर जो फूड आइटम पैक था वो स्पॉइल होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर जाते हैं और वो आपके फूड को स्पॉइल करना स्टार्ट कर देते हैं। अब इसके बाद से आप अपने अगले मेथड पे आ जाते हैं, जो कि है बाय यूजिंग केमिकल प्रिजर्वेटिव। कैसे केमिकल प्रिजर्वेटिव का यूज करके हम खाने को अपने क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं, अपने खाने को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से, By using chemical preservatives, यानी केमिकल प्रिजर्वेटिव का यूज करके भी हम अपने खाने को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं, किससे, स्पॉइलर्स से। ये सारे मेथड जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं किससे पढ़ रहे हैं, ताकि अपने खाने को कैसे हम लोग प्रिजर्व कर सके। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि फूड को प्रिजर्व करना क्यों जरूरी है, तो इसीलिए जरूरी है, जितने भी मैं मेथड बता रहा हूँ आप लोगों को, इन्हीं मेथड का यूज करके अपने खाने को आप क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस टॉपिक के अंदर क्या पढ़ना हम लोग को। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, केमिकल्स का यूज करते हैं, किस लिए केमिकल्स का यूज करते हैं, टू प्रिवेंट द स्पॉइलेज ऑफ फूड। केमिकल्स का यूज किससे करते हैं, स्पॉइलेज ऑफ फूड को रोकने के लिए, प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ फूड। यानी केमिकल्स का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने खाने के स्पॉइलेज को बचा सकते हैं, ठीक, खाने के स्पॉइलेज को स्पॉइल होने से क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। इस मेथड को हम लोग किस नाम से जानते हैं, केमिकल प्रिजर्वेशन कहते हैं। किस नाम से जानते हैं, केमिकल प्रिजर्वेशन। दिस मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड केमिकल प्रिजर्वेशन, जिसमें हम लोग कुछ केमिकल्स का यूज करके अपने फूड आइटम को क्या करते हैं, बचाते हैं। तो ऐसे ही कुछ केमिकल्स का नाम मैं आपको बता देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल सोडियम बेंजोएट, ये आपका एक क्या है, केमिकल है, जो किसके लिए यूज किया जाता है,
फूड प्रिजर्वेशन के लिए। और एक केमिकल का नाम लिख देता हूँ, पोटेशियम पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट, मेटाबाइसल्फेट PSATE। ठीक, तो एक एग्जांपल केमिकल का मैंने बता दिया सोडियम बेंजोएट, और दूसरा मैंने एग्जांपल बता दिया पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट। अब ये दोनों क्या है, केमिकल्स हैं। तो मैं बता देता हूँ कहाँ पे यूज किया जाता है, किन फूड आइटम्स में यूज किया जाता है ये सोडियम बेंजोएट और पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट। तो जो आपका सोडियम बेंजोएट है इसको हम लोग यूज करते हैं फ्रूट जूसेज एंड स्पेसेस, जो आप फ्रूट जूसेस पीते हैं, फ्रूट जूसेस एंड स्क्वेसेस, यानी जो भी आपके पैक्ड फ्रूट जूसेज आते हैं, जो कैंस में पैक्ड होते हैं, जो बॉटल्स में पैक्ड होते हैं, जो आप लोग मार्केट से लेके पीते हैं, इवन जो आपके स्क्वेसेस होते हैं गर्मियों में आप स्क्वेसेस यूज करते हैं, उसको पानी में मिला के बहुत सारे फ्लेवर्स का आता है, ये सारे के सारे जो होते हैं इसके अंदर एक केमिकल मिला होता है सोडियम बेंजोएट, ताकि उसको आप लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट केमिकल का नाम मैंने बताया था पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट, इसका यूज किस लिए हम लोग करते हैं, जो आप जैम्स यूज करते हैं, जो जेलीज यूज करते हैं, इवन जो आपके कट फ्रूट्स होते हैं यानी जो कटे हुए फल होते हैं, उसमें हम लोग किसका यूज करते हैं, इस केमिकल का यूज करते हैं, जिससे उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए प्रिजर्व कर सकते हैं, उसको बचा के रख सकते हैं स्पॉइलेज ऑफ फूड से। इसके बाद से हम लोग अपने अगले मेथड को पढ़ेंगे, जो कि हमारा क्या था, बाई वैक्यूम पैकेजिंग, एंड दिस वन इज द लास्ट मेथड। ये क्या है आपके इस चैप्टर का लास्ट मेथड है, जिससे आप क्या कर सकते हैं, फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। अब ये आपका लास्ट मेथड क्या था, बाई वैक्यूम पैकेजिंग। इसके पहले मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दिया था, बताया था, वही मेथड यहाँ मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, बाई वैक्यूम पैकेजिंग। तो वैक्यूम पैकेजिंग का मतलब क्या होता है, वैक्यूम का मैंने अभी इससे पहले ही आप लोगों को मतलब बताया था, एब्सेंस ऑफ एयर, यानी एब्सेंस ऑफ एयर में हमारी खाने पीने की चीज़ों को क्या कर दिया जाता था, पैकेट्स में, कैंस में, बॉटल्स में, पाउचेस में पैक कर दिया जाता है, ताकि कोई भी एयर कंटेंट हमारे बॉटल पाउचेस या खाने पीने की चीज़ों में ना जा पाए। तो जो भी आपके स्नैक्स जो होते हैं, आप लोग जो चिप्स पैकेट ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, जो भी आपके स्नैक्स होते हैं, इनको क्या करते हैं, कंटेनर्स में क्या करते हैं, एयर टाइट क्या करते हैं, सील करते हैं, सील्ड एयर टाइट। ठीक, दोस कंटेनर्स ऑयल सील्ड। चलिए, तो जो भी आपके स्नैक्स होते हैं उनको क्या करते हैं, एयर टाइट कंटेनर में पैक कर दिया जाता है, या फिर आप पैकेट्स में, पाउचेस में पैक कर दिया जाता है, उसके अंदर जो भी एयर होता है उसको क्या कर दिया जाता है, इवैक्यूएट कर दिया जाता है, वहाँ से निकाल दिया जाता है, उसकी जगह एक गैस भर दी जाती है, जो कि क्या थी, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो एक होती है फूड प्रिजर्वेटिव गैस होती है, ये फूड प्रिजर्वेटिव गैस होती है जो हमारे खाने पीने की चीज़ों को क्या करती है, प्रिजर्व करती है। तो आपका जो जो भी आप क्या मैं बता रहा था आपको, जो स्नैक्स यानी जो चिप्स के पैकेट आप यूज़ करते हैं, बाजार से लेके आते हैं, उसके अंदर आप सोचते होंगे इसमें तो सर हवा भरी होती है, तो वो हवा भरी होती है, ठीक है, बट वो हवा कौन सी होती है, नाइट्रोजन गैस होती है। उसके अंदर जो बाकी की सारी गैसेज होती है ना, जो आपकी ऑक्सीजन हो गई और जो आपकी रेस्ट ऑफ दी गैसेज जो भी एटमोसफियर में प्रेजेंट है, उसको वहाँ से क्या कर दिया जाता है, इवैक्यूएट कर दिया जाता है, उसको वहाँ से निकाल दिया जाता है, और उसकी जगह एक गैस भर दी जाती है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन आपकी एक फूड प्रिजर्वेटिव गैस होती है, जो आपके फूड आइटम को प्रिजर्व करने का काम करती है। बाकी की जो गैसेज होती हैं, जब हवा आपके पैकेट में चलाता है, जैसे आप जो चिप्स का पैकेट लीजिए, बाजार से चिप्स का पैकेट लेके आइए, और उसमें एक छोटा सा क्या कर दीजिए, होल कर दीजिए, और उसको थोड़े टाइम के लिए कहीं पे एक दो दिन के लिए छोड़ दीजिए। आप कुछ टाइम बाद जब वो चिप्स खाते हैं, तो उसका टेस्ट थोड़ा सा क्या लगता है, डिफरेंट लगता है, उसके कलर में चेंज आ जाता है, उसके टेक्स्चर में चेंज आ जाता है। क्यों? क्योंकि उस पैकेट में आप क्या चला गया, एयर चला गया, ऐसा एयर जिसके अंदर क्या था, कुछ मॉइस्चर कंटेंट था, या कुछ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, वो आपके खाने को क्या करते हैं, डिकम्पोज करना स्टार्ट कर देते हैं, वो आपके खाने पे अपना एक्शन दिखाते हैं, और उस खाने को क्या करते हैं, स्पॉइल कर देते हैं, खराब कर देते हैं। तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एयर टाइट कंटेनर्स में, पैकेट्स में अपने खाने पीने की चीज़ों को पैक करते हैं, और जो भी उसके अंदर एयर होती है उसको इवैक्यूएट कर देते हैं, और उसको नाइट्रोजन के साथ फ्लश कर दिया जाता है, मीन्स नाइट्रोजन के साथ उसको क्या कर दिया जाता है, फिल कर दिया जाता है। तो ये मैं आपको लास्ट मेथड बता रहा था, जिससे अपने खाने को हम क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर जितने भी मेथड थे फूड प्रिजर्वेशन के, वो सभी मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद से मैंने आपको ये भी बताया कि फूड प्रिजर्वेशन करना क्यों जरूरी है। अब इस चैप्टर के अंदर जो दो टॉपिक रह जाता है पढ़ने के लिए, वो हमारा है नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड नाइट्रोजन साइकिल
साइकिल। ये दो टॉपिक अभी भी आपके इस चैप्टर के अंदर रिमेनिंग है, जिसको मैं आपके नेक्स्ट क्लास में इन दो टॉपिक को ख़त्म कर दूंगा और इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो आज जो भी मैंने पढ़ाया, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई डाउट होता है तो ऑफकोर्स वो कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर पूछे। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे।